दोस्तों, अगर आप भी सूर्य कुमार यादव और महेंद्र सिंह धोनी को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, सूर्य कुमार यादव ने मैदान में आते ही भूचाल ला दिया अपनी बल्लेबाजी से, और कैसे दो गेंदों में दो धोनी की तरह छक्के चढ़कर सूर्य ने एक हारी हुई बाजी को पलट दिया और भारतीय टीम को इस मुकाबले में विजयी बना के रख दिया। कैसे रोहित कोहली के फ्लॉप होने के बावजूद आज सूर्य कुमार यादव के तूफान से भारतीय टीम जीती है, आपको उनकी बल्लेबाजी का पूरा वीडियो दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या और बाबर आजम में एक बेहतर खिलाड़ी कौन है, नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका की टीम के बीच में सीरीज का पहला T20 मुकाबला तिरुवनंतपुरम में खेला गया। मुकाबले की शुरुआत भारत के पक्ष में थी। ना सिर्फ रोहित टॉस जीते बल्कि इस भूमि पर आज भारतीय गेंदबाजों ने इतिहास रच दिया अपनी दमदार गेंदबाजी से। जो साउथ अफ्रीकी टीम कभी हमारे घर में घुसकर 150 या 200 रन बनाया करती थी और फिर हमें उन्हें चेस करने में दिक्कत हुआ करती थी, आज ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। दोस्तों, ये नई भारतीय क्रिकेट टीम है। रोहित शर्मा एंड कंपनी ना सिर्फ घर में घुसकर मारना जानती है बल्कि अपने घर में खदेड़ कर भी टीमों को हराना जानती है। जैसे ही मुकाबला शुरू हुआ तो चहर ने गेंदबाजी की कमान को संभाला, पहले ही ओवर में एक बड़ा विकेट दिला दिया। उसके बाद हर्षदीप सिंह आए जिन्होंने एक ही ओवर में डीकॉक व मिलर जैसे खिलाड़ियों को पानी भरने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों, ये 3 विकेट ले गए थे एक ही ओवर में, और फिर आए चहर, बैक टू बैक उन्होंने अपना दूसरा विकेट हासिल किया। 9 रन हुए नहीं थे कि पूरी साउथ अफ्रीकी टीम घुटनों पर आ गई थी। उनके 5 बड़े विकेट गिर चुके थे। साउथ अफ्रीकी टीम को इतने बड़े झटके मिले जिसे वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाए। दोस्तों, आगे चलकर भारतीय गेंदबाजों का ये कहर जारी रहा। हर्षल पटेल के एक ओवर में रोहित शर्मा ने शानदार DRS किया और ताबड़तोड़ रन बना रहे फिर एडम मार्करम का विकेट भी मिल गया। इतने विकेट गिरने के बावजूद भी साउथ अफ्रीकी टीम संघर्ष कर रही थी, और दोस्तों 20 ओवर में इस टीम के फिर 106 रन बने 8 विकेट गवा कर। दोस्तों, भारतीय क्रिकेट टीम को मात्र 107 का लक्ष्य मिला। इतना लक्ष्य तो हमारी टीम T10 के मुकाबलों में चेस करते जाकर। लेकिन कहते हैं ना कि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, इसमें हर प्रेडिक्शन फेल है और आज वाकई में मुकाबले में ऐसा होता नजर आया। दोस्तों, रोहित शर्मा और विराट कोहली जिनसे सबसे ज्यादा उम्मीद थी मैदान में आकर आज वही सबसे बड़े फ्लॉप भी साबित हुए। दोस्तों, रोहित शर्मा तो कुछ कर ही नहीं पाए, ऊपर से विराट कोहली भी आकर अपनी खराब फॉर्म का परचम फिर से लहरा था। जहां रोहित शर्मा 0 पर आउट हुए तो वहीं विराट कोहली भी 3 रन पर अपना विकेट गवा बैठे थे। तो मुख्य खिलाड़ी ऐसे आउट हो जाए तो दिल की धड़कने तो बढ़ ही जाती है, और हर किसी को लग रहा था कि भारतीय क्रिकेट टीम को कहीं इतने लो स्कोरिंग मैच में भी हार का मुंह न देखना पड़ जाए। क्योंकि दोस्तों, इस मैदान में वाकई में गेंदबाजों को बहुत अच्छी खासी मदद मिलती है। लेकिन आज मैदान में आते ही एक ऐसा खिलाड़ी ने 2 गेंदों में 2 छक्के लगाए जिससे कि पूरे मैच का रुख ही पलट गया और हमारी टीम जीत की तरफ बढ़ती चली गई। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्काई सूर्य कुमार यादव की, जो आसमान में छक्के लगाने तक के लिए मशहूर हो चुके हैं। और दोस्तों, एंड्रिक नोरकिया एक उम्दा गेंदबाज है IPL के। ये खिलाड़ी अपनी दमदार गेंदबाजी और फुर्ती भरी रफ्तार से स्विंग कराने के लिए पहचाना जाता है। आज इन्होंने ही दोस्तों विराट कोहली का विकेट लिया था, लेकिन किसे पता था 2 गेंदे बाद पूरे मैच का रुख ही बदल देंगे सूर्य कुमार यादव। दोस्तों, इस ओवर की तीसरी गेंद को नोरकिया ने शॉर्ट ऑफ द लेंथ डिलीवरी में तब्दील कर दिया। सोचा कि सूर्य बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में कैच आउट हो जाएंगे, लेकिन वो ये नहीं जानते कि सूर्य के हाथों में एक्सपीरियंस है, वो जान है जो कि छक्के तक गेंद को पहुंचा देती है। और बैकवर्ड पॉइंट की तरफ से सूर्य ने बल्ले का टॉप एज इस गेंद पर छुआ ही था कि गेंद गोली की रफ्तार से सीधा चली गई स्टैंड्स में और ये 6 हो गया। इतना नहीं दोस्तों, अगली गेंद पर भी सूर्य कुमार यादव ने यही चमत्कार किया। बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ से अगली गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने एक और उम्दा छक्का लगा दिया। आगे चलकर दोस्तों, सूर्य के इस तूफानी रंग में हम KL राहुल भी रंग चुके थे। उनके बल्ले से भी कुछ अच्छे और क्लासिक शॉट्स हमें देखने को मिले। लेकिन असली मजा आया दोस्तों आज सूर्य कुमार यादव की पारी को देखने में। जिस अंदाज से उन्होंने मैच को पलटा, जिस अंदाज से उन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम को विजयी स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया, ये सूर्य कुमार यादव ही कर सकते हैं। KL राहुल ने भी उनका अच्छा साथ दिया और आगे चलकर पंत व बाकी खिलाड़ियों ने मिलकर हमारी टीम को विजयी बना ही दिया, क्योंकि मात्र 54 गेंदों में 54 रन चाहिए थे, जिसके बाद जीत कन्फर्म थी। लेकिन दोस्तों, आप सभी सूर्य कुमार यादव के 6 और उनकी बैटिंग को 10 में से कितने नंबर देंगे, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल।